चूरू लोकसभा क्षेत्र के युवा सांसद राहुल कस्वा ने सांसद निधि कोष से नोहर के खंड चिकित्सा अधिकारी को 3 लाख रुपए की लागत से मंगाए गए पीपीई किट, सैनिटाइजर व मास्क आदि सौंपे। उन्होंने नोहर चिकित्सालय के लिए लगभग 25,000 रुपए की राशि के इंफ्रारेड गन एवं 75,000 रुपए की राशि के N95 मास्क भी स्वीकृत किए। इस मौके पर सांसद कस्वा ने बताया कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 लाख रुपयों की लागत से पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क के साथ साथ जिला चिकित्सालय चूरू में कोविड टेस्टिंग मशीन व हाईटेक वेंटिलेटर आदि के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि सांसद निधि कोष से उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अगले सप्ताह में चूरू के जिला चिकित्सालय में कोविड-19 की जाँच प्रारंभ हो जाएगी। इस मौके पर नोहर कस्बे में जरूरतमंदों के लिए ड्राई राशन किट देने की मांग पर सांसद कस्वा ने 500 ड्राई राशन किट उपलब्ध करवाने की घोषणा की। वहीं नोहर के पूर्व विधायक एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री अभिषेक मटोरिया ने खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रदीप कड़वासरा को भविष्य में भी कोविड-19 से लड़ने के लिए शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक किसी भी चिकित्सा उपकरण या आवश्यक सामग्री के लिए केंद्र सरकार अथवा निजी स्तर पर तुरंत उपलब्ध करवाने का वादा किया। नोहर के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि मैं डॉक्टर प्रदीप विश्व मनोहर, आज हमारे एम पी साहब ने यहाँ पे 50 किट उपलब्ध करवाए और 15,000 मास्क उपलब्ध करवाए गए और इसका सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए गए। लगभग 3 लाख रुपए का हम गरीब और के भविष्य में भी कोई दिक्कत होने पर हमने सेफ्टी मेजर्स के लिए सब सुविधा उपलब्ध करवाने का वादा किया और उपलब्ध करेंगे। इसके लिए नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज चूरू सांसद माननीय राहुल जी कस्वा नोहर पहुंचकर उन्होंने पर्सनल प्रोटेक्शन किट, सैनिटाइजर, मास्क और अन्य उपकरण VCMO साहब को सौंपे और साथ ही साथ उन्होंने उनके पास जो केंद्र द्वारा नए प्रस्ताव आए हैं, नए क्षेत्र में सरकारी जिंसों की खरीद, सरकारी क्षेत्रों में जिंसों की खरीद करने के लिए जो केंद्र स्वीकृत करने की बात है, उसमें भी उन्होंने हमसे आश्वासन आज हमको दिया है। और इसके अलावा नोर क्षेत्र में 500 जो सूखा भोजन है उसके पैकेट बंटवाने के लिए जो 2.5-3 लाख रुपए की राशि है उसके लिए भी आश्वस्त किया और हम उनका इस मौके पर धन्यवाद भी देंगे। भी अब तक लगभग 1 करोड़ से ऊपर की राशि अपने लोकसभा क्षेत्र में खर्च कर चुके हैं, जिसमें विशेष रूप से कोरोना की टेस्टिंग की किट हो, एक बड़ा जो टनल बनाने की बात हो, नए मशीन खरीदने की बात हो, हाईटेक जिसे कहते हैं एक वर्कशॉप वेंटिलेटर खरीदने की बात हो, एक नया ट्रांसफॉर्मर केवल इन उपकरणों को चलाने की बात हो, ये सारी नई मशीनें उपकरण कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इन्होंने खरीदी है। उसी कड़ी में आज इनका नोर आना हुआ। धन्यवाद देने के साथ साथ जो नोर के लिए इन्होंने दिए है उसके लिए आभार प्रकट करने के साथ साथ हम निवेदन करेंगे सांसद महोदय से कि वो इसी प्रकार से संकट की घड़ी में पूरे लोकसभा क्षेत्र में इसी प्रकार युवा होने के नाते जागरूकता के साथ घूमें और हर संभव सहयोग दें। सांसद राहुल कस्वा ने चैनल डी को बताया कि अभी हमने कोविड बीमारी के आने के पश्चात सांसद निधि से पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर तहसील वाइज 3 लाख रुपए दिए थे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, जहाँ पे पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर्स और थर्मल गन्स की परचेसिंग करी जाए। उसके तहत भी आज नोहर के अंदर और भादरा में सप्लाई शुरू हुई है मतलब, और इसी के लिए हम आज आए भी हैं पे। और कोशिश यही है कि कोविड जैसी बीमारी से कोई दुनिया भर में भी इलाज नहीं, वैक्सीनेशन बनी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है और लॉकडाउन हुए हैं, हम शायद इसके चेन को रोकने का काम कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि एक एमपी लैंड के रूप में जो भी हम हॉस्पिटल्स के अंदर जो मदद प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए कर रहे हैं। और चूरू लोकसभा क्षेत्र का जो हमारा हेड ऑफिस चूरू है, अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ पे हमने अभी एमपी कोटे से 95 लाख रुपीज की मदद करी है। हमने कोविड टेस्टिंग मशीन का भी ऑर्डर दे दिया जो आने वाले 5 दिन में आ जाएगी। अगर कहीं केसेस बढ़ते हैं तो टेस्टिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे हो जाए और 5 लाख से ऊपर का पैसा उसके किट परचेज करने के लिए दे दिया है। अभी कल ही मैं जब गया था 2 दिन पहले तो वाटर टैंक की रिक्वायरमेंट करी थी उन्होंने, तो वाटर टैंक दिया हमने बड़ा। काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच ये रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पूरा हमारा लोकसभा क्षेत्र इसके लिए मजबूती से तैयार रहे। और जो भी डॉक्टर्स की उन्होंने भी ये राय लेने की कोशिश करी कि आपको जो भी उन्होंने एक N95 मास्क की बात करी है, थर्मल गन्स की बात करी है, तो मैं कल जाते ही उसकी बात करके इनको 100% मुहैया करा देंगे और प्रोवाइड करेंगे। और जो भी कुछ हेल्प मेरे रूप में हो पाएगी के एमपी के रूप में पूरी कोशिश करेंगे।
दोस्तों चैनल डी भी आपसे अपील करता है कि कृपया लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक अपने परिवार सहित अपने अपने घरों में बने रहें ताकि कोरोना के खिलाफ छिड़ी इस जंग को जीता जा सके। दोस्तों आपने अगर चैनल डी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियो आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अपने अमूल्य कमेंट भी कीजिए। तब तक आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।